कितने मीठे हवा, मेरे दिल तो एकदम ताजे हो गए। घर वाली को लेके सोच रहा हूँ, ये शमशान छोड़ के इस सेवड़ा पेर में ही रहने लगू। हर दिन शमशान का सरा हुआ मांस खा खा के मेरा सुंदर मुंह एकदम सड़ गया है। मैं भूत हूँ तो क्या हुआ, मेरे सेहत का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। So, आज से नो मोर सरा हुआ मांस, ओनली ताजा ताजा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाऊंगा। ये कहकर सेवड़ा पेड़ में बैठ के पैर झुलाते हुए शमशान घाट की टिंपू भूत इधर उधर देखने लगा, और तभी उसका नजर गांव के रमानाथ के आंगन में जो कांठाल पेड़ था उसके ऊपर जाता है। अरे सावास, ये क्या देख रहा हूँ मैं, पूरे पेड़ में कितने सारे कटहल हुए हैं। सोच रहा हूँ आज रात में ही सारे को साफ कर दूंगा, पहले इसको मैं खाऊंगा, फिर मेरे घरवाली के लिए लेके जाऊंगा। ये कहकर रात में जब सब सो गया था, तभी टिंपू भूत रमानाथ की कांठाल पेड़ से कांठाल चोरी करके खाने लगा, और खाते हुए कहने लगा, अरे वास, कितने टेस्टी है, ना ना एक दो खा के पेट नहीं भरेगा, जल्दी से सारे खा लेता हूँ, और जब बचेगा मेरी साकी डार्लिंग के लिए मैं लेके जाऊंगा। ये कहकर टिंपू भूत पेड़ के नीचे की सारे कांठाल तोड़ के खाने के बाद वहाँ से चला गया। फिर वो घर में जाके अपनी बीवी चुड़ैल से कहा, साकी डार्लिंग, ओ साकी डार्लिंग, जल्दी से देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, टेस्टी टेस्टी ताजे हेल्दी फ्रूट्स। ऐसा क्या, दीजिए ना। फिर पत्नी चुड़ैल कांठाल खाते हुए कहने लगी, बहुत स्वादिष्ट है। इधर सुबह होते ही रमानाथ की पत्नी सारे कांठाल चोरी हो गए देखकर जोर जोर से रोने लगी, हाय हाय हाय, ये मेरा क्या हो गया, मेरे बगीचे के कांठाल के पेड़ से सभी कांठाल चोरी हो गए। ठीक उसी वक्त निफ्ला की माँ वहाँ से जा रही थी, और रमानाथ की पत्नी को इस तरह रोते देख उसने बोली, अरे रमानाथ जी की पत्नी, क्या हुआ, सुबह सुबह इतने रो क्यों रही हो, ऐसे क्या अनर्थ हो गया, अरे जानती नहीं क्या इस तरह रोने से बुरा होता है। बुराई होने में और क्या बाकी है निपला की माँ, मेरे बगीचे के कटहल के पेड़ से सभी कटहल किसी ने चोरी कर लिए है, मेरी कितनी आशा थी कि आज अपने पति को अपने हाथ से कटहल का कारी खिलाऊंगी, ये कटहल जिसने चोरी की है उसे हजम नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये कटहल खाएगा उसका पेट खराब जरूर होगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए, और टिंपू भूत रोज ही किसी न किसी की पेट से कटहल चोरी करके खाने लगा, और इस तरह से पूरे गांव के सारे कटहल पेड़ की कटहल टिंपू भूत खत्म कर दिया। फिर एक दिन गांव के सारे औरत तालाब के पास बैठकर कहने लगे, अरे कैसा मुसीबत आ गया है, ये चोर सारे गांव वालों को एकदम परेशान करके रखे हैं। गांव के किसी के भी बगीचे में एक भी कटहल रहने नहीं दे रहा है, मेरे पति को कटहल खाना कितना पसंद है लेकिन वो एक भी कटहल नहीं खा पाए। अगर एक बार ये कटहल चोर मेरे हाथ लग जाए ना, तो ऐसी मार मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा, चोरी करके कटहल खाने का शौक भूल जाएगा। फिर वो सब पानी लिए घर चले गए। इधर टिंपू भूत और चुड़ैल पेड़ में बैठे पैर झुलाते हुए बात करने लगे, सुनो ना, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। यही तो सोच रही हूँ मेरी डार्लिंग, यहाँ के सारे कटहल तो चोरी करके ही खा लिया, अब क्या बचा है। ठीक उसी वक्त टिंपू भूत और चुड़ैल के नाक पे एक अच्छी सुगंध आई। कितना सुंदर खुशबू है,
वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक घर में मुर्गी की कड़ी बन रही है और ये देख टेंपू भूत पूरा मुर्गी कड़ी उठा ले आता है और इस तरह किसी के घर से चावल तो किसी के घर से टिफिन चोरी करता था और हर दिन ऐसे ही चलता रहा। खाने के साथ साथ वो जो कुछ भी देखता था वही उठा ले आता था। एक दिन सुकलन बाबू बेटी साथी के लिए शहर से स्नो पाउडर और लिपस्टिक खरीद कर लाए थे। असल में साथी को सजना सवरना बहुत पसंद था। साथी ये सब पाकर बहुत खुश हुए थे और वो सारे सामान लिए अपने कमरे में जाकर रख दी। टेंपू भूत बैठकर ये सब देखते हुए मन ही मन कहा, अरे ये चीज तो बहुत ही सुंदर है, मेरी साकी डार्लिंग के लिए मैं चोरी करके लेके जाऊंगा। ये फेस पाउडर और लिपस्टिक देख के बहुत खुश हो जाएगी। फिर टेंपू भूत वो सब चुरा के चूड़ल को दे देता है। चूड़ल ये सब चीज पाकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, पाउडर और लिपस्टिक, डोना मैं अभी लगाऊंगी। तुम मुझे कितना प्यार करते हो मेरी डार्लिंग, आई लव यू। इस बीच सती अपनी लिपस्टिक और पाउडर ना पाकर रोने लगती है और अपने पिता को बताती है, ये चोर मेरे फेस पाउडर और लिपस्टिक को भी नहीं छोड़ा। पिताजी आप कुछ कीजिए ना, ऐसे नहीं चल सकता, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। इसके बाद इस चोर से तंग आकर गांव के प्रधान और सब मिलकर एक बैठक में बैठता है। तभी रमानाथ ने कहा, प्रधान जी इस चोर का कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहले तो गांव के सारे कठाल साफ कर दिया, फिर हमारे घर के बने खाना, अब तो उसे सामने जो दिखता है वही उठा ले जाता है। हाँ हाँ प्रधान जी, आपको तो इस बार कुछ करना ही पड़ेगा। ये चोर लड़का है या लड़की किसी को पता नहीं, लड़कियों की साचने का सामान भी चुरा लेता है। सब कुछ सुना है मैंने, इसलिए मैंने सोचा आज रात से ही तुम सब मिलके पूरे गांव में पहरा देना, उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। हाँ, यही करना। इधर टेंपू भूत पेड़ की टहनी पर बैठ के सारे बात सुनता है और कहता है, अच्छा ये बात, रुको सब, मजा चखाऊंगा मैं। तुम सब रात को बाहर रहोगे और दिन में परे परे सोते रहोगे, तब मैं चोरी करने के लिए निकलूंगी। इस टेंपू भूत को पकड़ना इतना आसान नहीं, यू फूल। फिर गांव के लोग बड़ी बड़ी से रात भर पहरा देते रहे। कई दिन बीत जाने के बाद भी चोरी नहीं रुकी। रुकेगी भी कैसे, रात भर निगरानी करने के बाद सुबह जब गांव के लोग सो जाते हैं तभी टेंपू भूत चोरी करना शुरू करता है और गांव के लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक दिन ज्यादा गर्मी के कारण रमानाथ की पत्नी को नींद नहीं आई और वो आंगन में बैठी थी। तभी उसने देखा कि कोई आया और छत से बाथरूम की लोटा उठाकर गायब हो गया। हे भगवान, वो क्या था? इंसान नहीं हो सकता, क्या वो कोई भूत था? झट से यहाँ आया और झट से गायब हो गया। अरे ये कैसा भूत था जो चोरी करता है, बाथरूम की लोटे को भी नहीं छोड़ा। सभी को ये बात कहना पड़ेगा। ये कहकर वो सारी बात गांव वालों को बताई और सब सुनने के बाद रमानाथ ने कहा, भूत, अरे बाप रे। अरे ये क्या, भूत के नाम सुनते ही ऐसे डर क्यों रहे हो? वो कोई डरावनी भूत नहीं है, वो भूत एक शैतान चोर है जो ऐसे चोरी कर रहा है। इसके बाद गांव वाले मिलकर बड़े बूटी और झाड़ू लेकर छुपे रहे। उस दिन टेंपू भूत निपला के घर में चोरी करने जाता है। तभी निपला विसल बजा के सबको इशारा कर देता है। ठीक उसी वक्त सारे गांव वाले टेंपो भूत को मारने के लिए पीछा करने लगे। भूत
तभी टेम्पू भूत सारे गांव वालों को इस तरह आते हुए देख के कहता है, अरे बाप रे, ये तो झाड़ू और बड़े बॉडी लिए मरने के लिए आ रहे हैं। जान से बचना है तो यहाँ से भाग टेम्पू भूत। इसके बाद टेम्पू भूत वहाँ से भागकर सीधा चूड़ल के पास चला जाता है। तभी चूड़ल बोली, तुम आ गए, आज मेरे लिए क्या लाए हो जी? भागो मेरी जान, यहाँ से जल्दी भागो। गांव के सभी झाड़ू और बड़े पोटी लेके इस तरफ ही आ रहे हैं। शमशान में जाके तुमको सब कुछ दिलाऊंगा, जल्दी यहाँ से भागो। आखिरकार टेम्पो भूत चूड़ल को लिए वहाँ से भाग जाता है और गांव वाले को इस शैतान भूत से छुटकारा मिल जाता है। क्या आपको पता है हमारी कहानी के हिस्सा आप भी बन सकते हैं? कैसे? पहले हमारे पिक्सटून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। लकी ड्रॉ के माध्यम से आपका नाम चुना जाएगा और हमारे नए कार्टून वीडियो में किस किस का नाम चुना गया है वो जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो कार्ड में क्लिक कीजिए।